मगनी सहकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो व्लॉग में आज क्या होने वाला है मैं बता देती हूं। चूंकि बहुत टाइम से मेरा हॉस्पिटल बैकपैक करना पेंडिंग था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज टाइम निकालकर फाइनली मैंने सारी चीज़ें क्योंकि ले ली। ऑफकोर्स आपको मैं दिखाती ही रहती हूँ, मेरे लिए भी मैंने जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली है। और इसके अलावा कुछ पेंडिंग हो तो आप मुझे बता देना, जब वीडियो पूरा हो जाए, जब आप देख लो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और मैंने सोचा है कि मैं क्या क्या रखूँगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में चाहिए होंगी, और जो मान लो मैं 2 या 3 दिन तक जब भी रहना पड़े इनकेस, तो कितने दिन में क्या चीज़ें होंगी, बच्चे के लिए भी मेरे लिए भी, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली है। अब बस मुझे पैक करना है और आपको बताना है कि मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। ऑल दो अगर उसमें कुछ मिसिंग हो तो आप मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कॉमेंट में कि क्या मुझे ऐसी चीज़ है बच्चे के लिए मेरे लिए जो ऐड करनी है, बिकॉज मैं नई मॉम बनने वाली हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बता देती हूँ कि कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, वापस से वेडनेसडे आ गया है तो मुझे डॉक्टर को भी विजिट करना होगा, उनसे मिलना होगा। 7 डेज हो जाएंगे और अभी आपको पता ही है कि इस टाइम पे ना ऐसा होता है कि कभी भी आपको निकलना पड़ सकता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरा हॉस्पिटल बैकपैक ना हो पाए और कुछ भी इनकेस होता है तो मामा हुकुम को या हुकुम को परेशानी हो जाए कि अरे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सारी चीज़ें एक साथ सोच समझ के रखी है, कुछ वीडियोज़ भी देखे हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और वो सारी चीज़ें मैं आज बैग में पैक करने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आई होप कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लो मैं क्या बैग में लेने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि यू नो लटकाने वाला बैग लूँ या छोटा बैग लूँ, पर मेरा सामान इतना हो रहा था कि वो आता ही नहीं। और उसके बाद मुझे ये बैग समझ में आया, इस बैग के पीछे भी एक कहानी है। ये बैग मुझे गिफ्ट में मिला है जब मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज में थी और हम एक टूर पे गए थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ, तो उनकी तरफ से हमें ये जब वापस हम लौट रहे थे गुजरात से, तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और ये बहुत ही छोटा सा बैग है, इसमें सारा सामान आ जाता है, तो मैंने सोचा कि ना मैं यही ले लेती हूँ, इसमें काफी सारे जिप भी है। तो चलिए शुरू करती हूँ और मैं क्या क्या सामान लूंगी रखूंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक कॉटन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है बेबी को स्वेडल करने के लिए, वो मैंने लिया है। और एक टॉवल लिया है और मैंने ब्लैंकेट लिया है, ताकि मतलब आपको पता ही हमसे ज़्यादा बेबी को ठंड लगती है और वो वैसे भी मतलब उनके लिए ये एनवायरमेंट हमसे ज़्यादा थोड़ा सा वो नाजुक होगा, तो मैं ब्लैंकेट तो ऑफकोर्स लेना ही था। और ये ड्राई शीट ली है ताकि उसके लिए इजी रहे उसे कैरी करना जब भी मम्मा और उसे कैरी करें, तो ये चीज़ें मैंने ली है। ये मैं सबसे पहले रख देती हूँ। और ये मैंने पैड लिए हैं, ऑफकोर्स आपको पता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है, तो ये मैंने पैड लिए हैं। ये बेबी के लिए वाइप्स लिए हैं क्योंकि वाइप्स भी बहुत ज़रूरी है, वाइप्स के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलने वाला। और ये मैं बेबी के ये रख देती हूँ, ये मैं एक साइड इसको जमा देती हूँ, वाइप्स इस साइड जमा देती हूँ। और बेबी के साथ साथ क्योंकि मुझे मेरे कपड़े भी लेने होंगे ऑफकोर्स, कुछ गाउन्स और ऐसा, तो मैंने एक तो ये सलवार सूट लिया है और एक ये फुल जो कुर्ता है, बट ये गाउन की तरह ही है। और मैं सोच रही हूँ जो मैंने वियर किया है मैं बाद में वो भी रख लूँगी ताकि इजी रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही कपड़े होने चाहिए जो बहुत लूज हो, कंफर्टेबल हो उस टाइम पे। आप इसके अलावा कुछ और लोगे तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में वैसे भी कंफर्टेबल नहीं होता, तो ये लिया है मैंने। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चे के लिए, आपको पता ही है डायपर, तो डायपर भी लिए हैं। और ऑल दो मैंने साथ में क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, पोतड़े, मैंने पोतड़े भी लिए, लेकिन डायपर भी ज़रूरी है, तो डायपर मैंने ऑफकोर्स लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं छोटे न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े, मैंने बिब भी लिए हैं साथ में, और ये उसकी छोटी छोटी सी देखा छोटे छोटे से शॉर्ट्स लिए हैं प्यारे प्यारे से ताकि इजी रहे। और ये मैंने उसकी बनियान ली है, ये मैंने छोटी छोटी सी टी शर्ट्स ली हैं, और ये देखो मैंने कॉटन के झबले भी ले लिए ताकि अगर स्टार्टिंग में सबसे पहले उसे कुछ पहनाना पड़े तो कॉटन के झबले पहना देंगे। और एक मैंने लिया है उसके लिए रॉम्पर, ताकि अगर नीड पड़ी उसे पूरी तरह से पैक करके रात को सुलाने की, तो मैं एक मैंने रॉम्पर लिया है। ये मैंने टी शर्ट ली है साथ में, अगर जरूरत पड़ी टी शर्ट पहनाने की, तो मैंने ये 5 टी शर्ट लिए अभी के लिए फिलहाल के लिए, ताकि अगर लगे कि उसे टी शर्ट पहनानी हो, मतलब सारे ऑप्शंस मैंने रख लिए हैं थोड़े थोड़े से।
आपको पता ही है कि बॉटल जरूरी है। वैसे मैं एक कटोरी और एक चम्मच भी रखूंगी, मामा ने बोला था, जैसे कि इन केस अगर मतलब ऐसा होता है ना कि आप फीड नहीं करवा पाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे कि फॉर्मूला मिल्क के लिए डॉक्टर बोले तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये बॉटल है और मैंने इसे ऑल्दो वॉश भी कर लिया है अच्छे से। और ये सामान मैं यहाँ रख रही हूँ, ये कुछ मेरे चीजें हैं और ये बेबी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उसे होते ही ना कैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने हर एक कैप में साथ में मिटन्स भी रख दिए हैं, क्योंकि आपको पता है बेबी खुद को बहुत नोचता है होते ही ना, मतलब वो हाथ पैर चलते हैं उसके। तो मैंने तीन कैप ली है और कैप्स में उसी कलर के मैंने मिटन्स भी रख दिए हैं, तीनों ही कैप में मैंने ऐसा किया है, क्योंकि कैप जरूरी होती है छोटे बेबी के लिए उसे पूरी तरह से कवर करने के लिए, तो ये मैंने इसमें रख दिया है। इसके अलावा मैंने क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको पता है कि अपनी मम्मियाँ हमेशा जब भी घर में बेबी होता है तो खुद से कितना रहते हैं कि चलो मैं गुदड़ी बना लेती हूँ, मैं पोतड़े बना लेती हूँ, ये सब चीज़ों के लिए। तो मैंने पोतड़े जो हैं वो मैंने रेडीमेड जो मैंने लिए थे वो नहीं लिए हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला कि नहीं जब वो पहली बार होगा तो हम बाहर वाले वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए मम्मा हुकुम ने मुझे ये देखो कॉटन के कपड़े के ये पोतड़े बना के दिए हैं जो मैं ले रही हूँ। डायपर के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो काम आने वाला है, तो ये मैंने लिए, ये कम से कम आई थिंक 6-7 तो होंगे जो मम्मी ने बनाए हैं, तो मैं ये भी रख देती हूँ, इजी रहेगा ढूंढने में, इसलिए मैं सबसे ऊपर ही इसको यहाँ पॉकेट में रख रही हूँ। ये चूंकि है ना किसी भी टॉवल, किसी भी मैं बता रही हूँ ब्लैंकेट और किसी भी बहुत सॉफ्ट कपड़े से अच्छा होता है अपनी राजपूतों की जो ओढ़नियाँ होती है, तो जो ओढ़नियाँ पुरानी थी जिनका पूरी तरह से कलर फेड हो चुका है ताकि बच्चे को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, उनको वॉश करके और उनका गोटा वोटा सब उतार के वो वाली तीन ओढ़नियाँ ली है, ताकि अगर बच्चे को यू नो लपेट के लेना पड़े या डॉक्टर अगर मांग ले पूछने के लिए। वैसे तो आजकल डॉक्टर देखो पूरी तरह से बेबी को क्लीन करके ही देता है, बट फिर भी इनकेस ऐसा कुछ हो तो ये ओढ़नी उस टाइम पे काम आ जाएगी। और ये ओढ़नियों से ही मम्मा हुकुम ने बनाई थी प्यारी सी गुदड़ी। वैसे तो अपन ड्राई शीट और बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन इसकी ना होड़ नहीं होती, सच बताऊँ तो मैं बहुत ही सॉफ्ट है, तो मैंने ये एक माँ ने बनाई थी तो मैंने एक ही ले ली है। इसको मैं सोच रही हूँ कि सबसे ऊपर रख देती हूँ, यहाँ पे भी एक चैन है तो मैं यहाँ रख देती हूँ, इसमें दो ऐसे पोर्शन है तो मैं एक में ये रख देती हूँ ताकि इसको भी नीचे से निकालना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा मम्मा उनको, ये रख दिया मैंने। और अब इसके अलावा मैं क्या अभी के लिए खास चीजें नहीं ले रही हूँ, देखो जैसे कि ना सॉप्स की बहुत नीड पड़ेगी इन केस अगर कुछ भी है, तो मैंने एक छोटी साबुन रख ली है, एक बेबी के लिए रख लिया है, एक मैंने ब्रश रख लिया है, डिटॉल रख लिया है और एक छोटा सा ऐसे लोशन रख लिया है, मतलब मॉइस्चराइजर रख लिया है, छोटी सी मैंने बॉटल रख ली है और एक मैं सोच रही हूँ छोटी मोटी जो मेरी लगाने की चीज़ें होंगी या कुछ भी होंगी वो तो ऑफकोर्स मैं अपनी चीज़ें रखूंगी, मॉइस्चराइजर और बाकी सब चीज़ें, बट ये छोटी मोटी चीज़ें रख ली है। टूथपेस्ट मुझे इसमें रखना है, मैंने हुकुम को बोला है कि छोटी सी यू नो टूथपेस्ट की वो जो आती है लेके आएंगे, और ये मैं ऊपर ही रख रही हूँ सबसे फ्रंट में ताकि ईजी रहेगा। एक मैं इसमें अपना ट्राईपॉड भी रखने वाली हूँ, तो मैं ट्राईपॉड रख दूंगी ताकि अगर मुझे शूट करना हुआ कुछ भी हुआ, अगर मैं कर पाई तो आई डोंट नो कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। और एक चीज़ और मैं आपको ये भी बताऊँ कि मुझे आज ही क्यों ख्याल आया ये हॉस्पिटल बैग पैक करने का। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा थोड़ा सा ना पेट दर्द कर रहा था, मैं बार बार थोड़ा परेशान ही हो रही थी, अभी जितना मैं हैप्पीली बात कर रही हूँ ना थोड़ी देर पहले मैं ऐसी नहीं थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अगर इनकेस कुछ भी होता है तो मेरे पास बैकअप प्लान तो होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन हो रखी है। तो अब क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ट्रू और फॉल्स लेबर पेन है ना तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई करने होंगे, तो मैं खुद ही सोच रही हूँ, बार बार सर्च कर रही हूँ कि अच्छा अच्छा ये वैसे वाले पेन नहीं है, अच्छा ये नॉर्मल पेन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैग पैक कर देती हूँ इनकेस कुछ भी हुआ, तो बैग लिया और मैं निकलने वाली सिचुएशन में रहूँगी। तो चलो ये मैंने आपको दिखाया, अगर इसमें ना कोई और चीज़ अगर ऐड करनी हो, बिकॉज मैं तो देखो नई मॉम बन रही हूँ, बट आप में से बहुत सारी एक्सपीरियंस मॉम होगी जो मुझे सजेस्ट कर पाएंगी, तो अगर इसमें मुझे कुछ और एड ऑन करना है, इस बैग में कुछ और रखना है बेबी के लिए या मेरे लिए, तो आप मुझे बता सकते हो। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार, मेरा हॉस्पिटल बैग भी पैक हो गया है। भाई देखो मुझे तो सही में बहुत ज़्यादा इंतजार है, सही बताऊँ तो एक एक दिन मैं गिन गिन के निकाल रही हूँ कि कब वो डेट आ जाए जब फाइनली मैं हॉस्पिटल जाऊँ, फाइनली लाइफ का नया फेज नया चैप्टर शुरू हो जाए। और मुझे लगता है सभी मॉम्स को होता होगा 9 मंथ में, जिसे मैं बार बार बोलती हूँ स्पेशली होता है कि अब नहीं हो रहा और वेट, अब जल्दी जाना है। तो कल वैसे मुझे हॉस्पिटल भी जाना होगा, डॉक्टर को भी मिलना होगा, लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलती है, क्योंकि अभी मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली मिलना है। वैसे अभी मैंने थोड़ा लेट कर ही दिया, लास्ट वेडनेसडे में गई थी और अब दोबारा मुझे वेडनेसडे को जाना है,
तो वो व्लॉग भी मैं जरूर आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। चलिए आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स को, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, खंबा गणिसा।